इधर बैठिए, चलिए। हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। अरे इसमें हंसने का क्या बात हुआ है अब? देसी चाइनीज प्रेजेंट्स। आपको मैंने पहले भी कहा था, जोक सुना करे, पढ़ पढ़ के खुद हंसते रहते, हमें पता नहीं चलता। हा, हा, हा। चलिए कल का बचा हुआ खेला शुरू करते हैं। खेला शुरू करने से पहले हम स्वागत करना चाहेंगे अपने मेहमानों का, जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू। तो खेला चालू करते हैं। खेला शुरू करते हैं। ये रहा आपका, ये रहा आपका, और ये रहा मेरा। रुके, धतूरा खा के आए हैं का? क्या कर रहे हैं आप यहाँ? दिवाली का टाइम है, ताश तो बनती है। क्योंकि तीसरे बादशाह हम हैं। दैट वाज अनदर बैड जोक। तो खेला शुरू करते हैं। पहला खेला शुरू, कब से खेला 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 शुरू शुरू लगा रखा है? तेरे क्रिकेट की बॉल। सबसे पहला सवाल आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, 200 करोड़ रुपया के। दो सौ करोड़ आपका अब्बा हुजूर भी कभी देखा है जिंदगी में? तेरी लिट्टी का चोखा। दिवाली का टाइम, इसलिए फ्लो फ्लो में ज्यादा बोल गए। तो सवाल ये रहा, आपकी फिल्म सिंगम रिटर्न में सिंगम रिटर्न क्यों होता है? ऑप्शन ए कि सिंगम की गन देव ले गया था, या ऑप्शन बी आगे यू टर्न का बोर्ड लगा हुआ था, ऑप्शन सी गर्मी बहुत थी, या ऑप्शन डी सिंगम चार्जर घर पे भूल गया था। भाई मुझे भूलने से एक शेर याद आया है। वाह, इनको भूलने से याद है, हमें याद आने से भूल जाता है। पढ़ा है शेर, मैं खड़का देता हूँ अपनी किताब पिद्दू की रोमानी शायरी से। भाई पहले किताब दिखाइए, कौन सी है ये? पिद्दू की रोमानी शायरी है भाई जी। भाई चैन चुराया मेरा। मेरे ख्याल से उनको बदबू आ रही है, क्या प्याज खा गया है? चैन चुराया मेरा, नींद मेरी लुट्टी। चैन चुराया मेरा, नींद मेरी लुट्टी, बीट पे बूटी, बीट पे बूटी, बीट पे बूटी। चैन चुराया मेरा, नींद मेरी लुट्टी, बीट पे बूटी, बीट पे बूटी, इधर ही हमारी कुर्सी बैठी, उधर हमारी कुर्सी टूटी। इसी बात पर हम भी एक शेर मारना चाहेंगे। अरे तू तो किसी को भी मार सकती, तू तो इंजन मार दे। देख लीजिए हमारी तरफ से हम एक शेर मार रहे हैं। मारो भी मारो। इतना प्यारा शेर को मार दे, चट शेर के बच्चे। कौन कहता है शत्रु शेर से डरता है? ये देखो, हम भी शेर मार सकते हैं। ये ला, ये ला। आ, भाई क्या शेर मारा है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर मारा है। कजोल जी मैं कहता हूँ भाई, इसको आप कैच कीजिए। आहा भाई वाह, आप इनको दीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आप इनको दीजिए, पास कीजिए, पास कीजिए। ये हो कर आए, आप मेरे को दीजिए। आहा, लो पकड़ भाई। भाई मैं, ये शेर बड़ा अच्छा है, तो मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा था। इसे 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, शाम तक अच्छी खबर मिलेगी। ठोको जी। अजय देवगन जी, सवाल का जवाब दीजिए, सिंगम रिटर्न क्यों हुआ था? मेरे हिसाब से सारे चारों के चार सही थे। बिल्कुल सही जवाब। आप जीत चुके हैं और आपको मिलता है ये चेक। ये लीजिए चेक, इसको बड़े कॉलर में बनवाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया। काजल, आपको मिलता है दिवाली पे ये पटाखा। फुलझड़ी हम आपको देंगे, शायद अभी हमारे बजट में नहीं है, ये इको फ्रेंडली पटाखा जो अंदर से खाली है, इसीलिए तो पोल्यूशन फ्री है।
अरे पॉल्यूशन फ्री होगा ही, जल चुका है, कैसे जलेगा ही नहीं तो पॉल्यूशन फ्री होगा। तेरे कान का मैल। अरे का है? अगला सवाल पूरे 2 करोड़ रुपए के लिए। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, फूल और कांटे में पत्तियां क्यों नहीं थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पत्ती बकरी खा गई। अरे आप फंस गए हैं, घूम लीजिए थोड़ा, घूम लीजिए। ऑप्शन बी आदर्श, शाबाश। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पत्ती बकरी खा गई, ऑप्शन बी मालिक छुट्टी पर था, ऑप्शन सी पत्ती किसी ने चाय में डाल दी थी, या ऑप्शन डी पत्तियां थी मगर उनका क्रेडिट नहीं मिला। हेलो, ठोको भाई, ठोको ठोको। हाँ हाँ, क्रैक क्रैक क्रैक, हाँ हाँ हाँ। एक मिनट, आंधियों से लड़ेगा, चोलों पे चलेगा, तूफानों से भिड़ेगा, डार्लिंग ट्रैफिक बहुत है, मैं कल आऊं तो चलेगा? मेरी वाइफ का फोन था। देखिए अजय जी, काजोल जी, आप एक काम कीजिए, आप ऑडियंस का ऑनियन ले लीजिए। तेरे राणा का डग्गू भाती, ऑडियंस का ओपिनियन होता है, ऑनियन नहीं। अरे ओपिनियन तो हर जगह फ्री में मिल जाता है, ऑनियन आजकल बहुत ही महंगा मिलता है, वो ले लीजिए, बेहतर रहेगा। अरे देखिए, बहुत ही काम का चीज भी है, इसको ऐसा बगल में डाल लीजिए, लू नहीं लगता। और मुंह में डालो तो कोई पास नहीं लगता। फालतू बकवास कर रही है। सवाल था कि फूल काटने में पत्तियां क्यों नहीं है, जवाब दीजिए अजय जी। फोन फ्रेंड किया हमने, फोन उठा, एक सेकंड में अपने दोस्त को फोन लगाता हूँ। शेनू, हाँ हिम्मत है तो फोन उठा। नहीं उठा रहा, जब चटनी के, चलो बताइए फूल और कांटे में पत्तियां क्यों नहीं थी? अभी ये तो आपको ही जवाब देना पड़ेगा, चलो। मुझे लगता है कि इसका जवाब मुझे नहीं आता, तो टाइटल चेंज कर देते, फूल कांटे और पत्तियां। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलता है ये इनाम, ये बोतल मैंने रात ही को खाली की थी, आप इसमें रॉकेट चला के हिश हिश एंजॉय कर आते हुए ले जाइए। आप यहाँ पर इनाम में सबको बोतल दे रहा है, पटाखा दे रहा है, पैसा तो देते नहीं, और खेल का नाम है के भैल करोड़पति। तेरे पटाखे की दिवाली, चुप। के भैल करोड़पति मतलब ये भैल करोड़पति। हमारे शो में सिर्फ करोड़पति लोग खेलने आते हैं। अजय जी और काजल जी, ये रहा आपका अगला सवाल पर 3 करोड़ रुपए के लिए। रख तेरे बाप का कीबोर्ड, रख, पहले सवाल पूछने दे। तो ये रहा 3 करोड़ रुपए के लिए अगला सवाल। काला खट्टा कितना खट्टा होता है? आपके ऑप्शंस रहे, ऑप्शन ए इतना, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। हमारा तो एक ये सुन के हमारे मुंह में पानी सा आ गया। तेरे नील के नितिन का मुकेश, हट। तो सवाल था कि काला खट्टा कितना खट्टा होता है, आपके ऑप्शन ए बी सी डी दोनों। मैं बता दूं जी, जी काला खट्टा। बिल्कुल सही जवाब। आप जीत जाती हैं 150 किलो का नेकलेस, औरत, ये रही नेकलेस औरत, ले जाइए। हाँ, लड़कियां कितनी खुश हो रही हैं इस बात में। आपके शत्रु का घन, क्या तरीका हुआ बात करने का, ऐसा बेइज्जती करते हैं, गला भर गया है। झूठ बोल रही, गला कहाँ कहाँ से भर गया? बोले मेरा थैला भर गया। ओ भाई, इस बात पे तू उदास हो गई है ना, तू, मैं अपनी किताब पिद्दू की उदास शायरी से एक शेर सुनाता हूँ। उदास शायरी। ओ भाई, चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता। चांद सिफारिश करता जो हमारी देता जो तुमको बता। आगे
आगे चांद ने सिफारिश करी नहीं ना, फिर आगे क्या बताऊं मैं? सिफारिश करी नहीं। अव्वल दर्जे का बकवास शेर था ये। ठोको फिर ठोको। चलिए आपका सवाल है 5 करोड़ के लिए कि सन 1990 में एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप पहले सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। एक तो हमारा ये तंग करी जा रहा है, देखिए 1990 में अजय देवगन की कौन सी फिल्म आई थी? ठीक है, फूल और कांटे कब आई थी? 91 में। 91 में, ओ एक साल पहले आई थी। एक साल बाद आई थी। तब क्या हो रहा था 1990 में, क्या हुआ था भाई? चल कुछ नहीं हुआ था, नहीं पिक्चर की शूटिंग चल रही थी। मैं एक बात समझता हूँ, देखो भाई इस बात पे तुम बार बार छेड़ते टीचरबाजी करते रहो, तो उसी बात में मैं कहना चाहूंगा आतमाजी सटली, आतमाजी सटली भाई। रमेश ये इनका डायलॉग है। अच्छा ये इनका है तो लभी ठोको भी ठोको। ये उनका डायलॉग है। अच्छा भाई खामोश, तुम ऐसे नहीं हटोगे, लोगों का डायलॉग बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, बोल। पहले मेहमानों को भेज दूं फिर तुमसे बात करता हूं मैं। बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। एक चुप हंस गए, तेनू आया था मैं हाथ छोड़, हाथ ये अकेले हाथ से हो नहीं रहा, देख मेरे से भी नहीं हो रहा। ठोको छोड़, क्या करें, शेर लाए हैं शेर। सच ए रिलैक्सिंग नाइट। ओ हो, लेडीज के सामने लड़ना अच्छी बात नहीं है, उनको विदाई करके तुम्हारी लेडीज की बात नहीं कर रहा। बट तो एक बार काजल जी के लिए जोरदार तालियां। तो मैं काजल जी को छोड़ के तो जोरदार तालियां। एक मिनट, मैं भी छोड़ के आता। कमाल है आपका, हम पे भरोसा नहीं। नहीं। मेरे चलो, चलो, चलो 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 मेरे सौ गए, तेरे कितने? 10 चक्कर और जॉगिंग। 10 चक्कर, मैं थक गई हूँ जॉगिंग कर करके, मैं सोने जा रही हूँ। वो तो आप पत्ते खेल खेल के थक गई। पत्ता खेलना मुझे आता ही कहाँ है, मैं तो सिर्फ पत्ते बांटने जाती हूँ। और नानी जितनी तुम्हारी उम्र है तुम मंदिर में प्रसाद बांटो, पत्ते बांट रही थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? और सर आप मेरी परेड क्यों करवा रहे हैं, मैंने तो आपको सुबह सुबह चाय भी पिलाई थी। चाय और गर्म पानी में फर्क होता है चंदू। हैं? सर आपको गर्म पानी मिला? फिर बोलो। ये फिर नानी की करामात है, ये तो चाय में से भी दूध चुरा लेती है। और ये तो टूथपेस्ट में से घी निकाल लेता है। और टूथपेस्ट में नमक होता है, उनके होता है जो बाजार से भरा हुआ खरीदते। सिद्धू साहब ये तो सड़क पे खाली पड़ा हुआ ट्यूब होता है ना, वो उठा लेता है, बाद में उसमें घी भरता है, साल भर इस्तेमाल करता है। पुचुक 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 कंजूस करता। मैं तो चलो भाई टूथपेस्ट से घी निकालता हूँ ना, ये तो लोगों की किडनियों में से पथरियां निकाल निकाल कर घर का बाथरूम पक्का करवा रही है। और ये मेरे मोतियाबिंद में से मोती चुरा रहा था, मेरी आंख जाते जाते बच गई। अच्छू चलो शुक्र करो कुछ बचा सही, ये तो कुछ भी नहीं छोड़ती। पाजी गन्ने के रस की मशीन होती है ना, उसमें जो नींबू निकलता है ना उसमें भी हवा भरकर बेच देती है। और ये गुलाब जामुन में से गुलाब चुरा लेता है, बोलो। और ये बर्फी में से बर्फ चुरा लेती है ये। बंद करो बकवास वरना मैं गन निकाल लूंगा। आप माफी दे देंगे? मुझे भी। चलो सूर्य नमस्कार लगाओ। सूर्य सूर्य तो निकला नहीं, नमस्कार किसको करे? लेट के सूर्य नमस्कार लगा। इस उम्र में लेट के नमस्कार करवाएगा, कहीं मेरे नाम के आगे लेट लग गया तो। तुम बकवास बंद करो, मुड़ो और जाओ। अरे पाजी के लिए जोरदार तालियां। पाजी आइए आज खुल के बातें करते हैं। पहले कौन सा बंदों के बातें कर रहे हैं? पहले नहीं, पहले मैम भी थी आपसे काफी बातें थोड़ी सी
पेंडिंग रह गई थी। मेरे कुर्ते के लिए जोरदार तालियां। और आज लाल नहीं है। हाँ जी पाजी, उसने बड़ा हालत खराब कर दी थी मेरी। पिछली बार ट्रेन रुक गई थी। पाजी आज क्या खा के आए? आज आज वनलाइनर पे वनलाइनर आ रहे। अजय पाजी का ये कहना है कि फिल्म में कास्टिंग के ऊपर इतना खर्चा नहीं आया जितना प्रोडक्शन के ऊपर आया। तो पाजी आपकी होम प्रोडक्शन है, काजल मैम भी को प्रोड्यूसर है, तो मतलब आपको होम प्रोडक्शन के पैसे नहीं मिलते? बिल्कुल, इस फिल्म में नहीं लिए। इस फिल्म में आपने पैसे नहीं लिए? एक्टर के लिए भी नहीं लिए और डायरेक्टर के भी नहीं लिए। अच्छा, लेने किससे थे? हाँ, लेने किससे? अपने आप से। अच्छा एक्चुअली पाजी मैं कुछ चीजें एक बड़े भाई होने के नाते जानना चाहता हूँ। मेरे को भी सर प्रोड्यूसर बनना है आगे चल के। इनफैक्ट बहुत जल्दी आपको आप मेरे बड़े भाई हैं। ऐसे ही एज ए प्रोड्यूसर कुछ चीजें जानना चाहता था। पाजी कभी ऐसा हुआ कि पैसे बचाने के लिए हर प्रोड्यूसर को बजट कंट्रोल करना पड़ता है? जैसे विलन का काम भी 6-7 दिन का बाकी है, आपने 5-6 दिन पहले गोली मार दी हो कि चलो बाकी दिन का खर्चा बचेगा। ये तो मैं कर देता लेकिन पर डे पे नहीं था, मतलब उसने पूरे लेने जितने लेने हैं। भाजी कभी ऐसा भी हुआ है एज ए प्रोड्यूसर, थोड़े से ऐसे एक दो क्वेश्चन हैं, कि खुद की गलती हो, बाप आप एक्टर भी हैं फिल्म में, खुद ही की गलती हो लेकिन आपको लग रहा है शिफ्ट बढ़ रही है तो ओके कर दो, मतलब थोड़ी ऐसी चलता है? ना, ये नहीं होता। बस ये होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, ये चीज़ अच्छी है, काम के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बिल्कुल। भाजी आपके पास 300 से ज़्यादा जोड़ियाँ हैं जूतों की? लेना देना क्या है? पैसे 2-4 जोड़ियां दे दो, मैं रिपीट बड़े करता हूं सर। अब मैं भी बहुत रिपीट करता हूं। नहीं वो रिपीट पर 300 जोड़ियां ना बाजी, कब किसी की बारी आती होगी? रोज भी एक पहनो तो एक साल तो निकल गया। आपका वो हाल है जो पहले राजा महाराजों की कितनी सारी बीवियां होती थी ना, 365 बीवियां, मतलब ऐसा होता ना बाजी। तो कम से कम बीवियों और जूतों में बहुत फर्क है। नहीं नहीं फर्क की बात नहीं कर रहा, मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। नहीं अगर चॉइस की बात है तो फिर 300 बीवियां बेटर है ना। आदमी 300 जूते क्यों रखेगा? हाँ बाजी। ऐसे बाजी किसी ने आपकी टीम में से बताया था, आप कोई कहता कि आप पहले जूते पहनते हैं और उसके बाद से पैंट पहनते हैं, मतलब आपको जूते से बड़ा लगाव है, ये सही बात है बाजी? ये हो ही नहीं सकता, पता नहीं ऐसे खबरें सुनी मैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ, कंफर्म कर लें कि अफवाहें तो नहीं है कहीं। एक काम करें, दोनों ट्राई करें जूते पहन के पैंट पहनने। मैंने आज ना थोड़ा टाइट वाला पहना है बाजी। मैंने भी आज थोड़ा टाइट, मेरा चोंच में हट जाएगा। पाजी फिल्म शिवाय में अजय पाजी के शिवाय और भी लोग हैं, वर्ड प्ले के लिए आप सबकी दाद चाहूंगा। मैंने थोड़ा सा किया कि इनके शिवाय और लोग भी हैं, किसी ने नोटिस नहीं किया उसके लिए भी शुक्रिया। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच पहले उन्हें बुलाऊंगा जिनको हमने बाहर से इंपोर्ट किया है। एरिका विद उनका सरनेम है, वो खुद ही बताएंगी। और एबगिल, हाउ आर यू लिटिल गर्ल? I'm good. How are you? I'm good, baby. You're looking so pretty. Thank How are you, you. Erika? Sab theek hai, shukriya. Jinko Hindi nahi aani chahiye, unko Hindi aati hai. Jinko English nahi aani chahiye, unko English aati hai. Abhi to mere se naam nahi liya gaya Erika ka. Abhi to baatein shuru hongi. Please have seats. Please have seats. Erika, you are very beautiful. Thank and this little girl is also very beautiful. First of all, Erika, I want to know your full name with your surname. Actually, I was unable to pronounce the whole I'm unable line. To pronounce it either, so it's super But may I know what's the full name, actually? Are you going to repeat? Yes, he should repeat. Exactly. I will try my best. Erika Marta Karkuszewska. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.